हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस, जो ऑल अबाउट का नया चैनल है स्पेशली एसएससी और आरआरबी के लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है, मतलब आज गांधी जयंती है। तो आज हम कुछ महात्मा गांधी जी के बारे में जानते हैं। तो आज हम उनके बारे में कुछ अननोन फैक्ट, मतलब कुछ ऐसे फैक्ट जिनके बारे में आपको शायद ही अंदाज़ा होगा, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप कोई भी नए वीडियो या नई नोटिफिकेशन हमारे चैनल से मिस ना कर पाए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि गांधी जयंती, ठीक है, जिसको आज बोला जाता है, वो होता क्या है। गांधी जयंती इज एन इवेंट सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, हु वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। गांधी जयंती एक बेसिकली इवेंट है जो हम इंडिया में बनाते हैं। और वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 2 अक्टूबर एंड इज वन ऑफ द 3 नेशनल हॉलीडेज ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में 3 नेशनल हॉलीडेज हैं, जिनमें से एक है 2 अक्टूबर। इस दिन कोई भी बैंक हो, कुछ भी हो, सब कुछ बंद होता है। इस दिन का जो आज का दिन होता है, ये एक नेशनल हॉलीडे होता है, ठीक है। द UN जनरल असेंबली अनाउंस्ड ऑन 15 जून 2007 दैट इट अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन विच डिक्लेयर्ड दैट 2 अक्टूबर विल बी सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। आपको पता है कि जो 2 अक्टूबर है, वो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के भी तरह सेलिब्रेट करा जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने बहुत सारे नॉन कोऑपरेशन, नॉन वायलेंस मूवमेंट करे थे, जब अंग्रेज हम लोग को इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए, हम लोग को स्वतंत्र करने के लिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की तरह भी 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करा जाता है। और ये UN जनरल असेंबली ने 15 जून 2007 को अनाउंस करा था दैट इट अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन विच डिक्लेयर्ड कि 2 अक्टूबर विल बी सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक। आगे देखते हैं, ही वॉज बॉर्न इन पोरबंदर। गांधी जी जो थे, वो पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे। तो उनकी जो मदर टंग थी, वो थी गुजराती। हिज फादर करमचंद उत्तमचंद गांधी, उनके फादर का नाम था करमचंद उत्तमचंद गांधी, उत्तमचंद गांधी। ही सर्व्ड एज द दीवान, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पोरबंदर स्टेट, वो उन्होंने पोरबंदर के लिए, पोरबंदर स्टेट के वो चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। गांधी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली एंड ही हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ द चीपेस्ट कॉलेज ही कुड अफोर्ड। गांधी जी जो थे, वो एक गरीब परिवार से थे, और जो भी एक चीपेस्ट कॉलेज था उनके एरिया में, वहाँ से उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, मतलब अपनी पूरी एजुकेशन पूरी नहीं की। मावजी देव जोशी जी, अ ब्राह्मण प्रीस्ट एंड फैमिली फ्रेंड। मावजी देव जोशी जी जो है, वो एक ब्राह्मण प्रीस्ट थे, प्लस साथ ही साथ गांधी जी के फैमिली फ्रेंड भी थे। उन्होंने गांधी जी को एडवाइस करा और उनकी फैमिली को कि दैट ही शुड कंसीडर लॉ स्टडीज इन लंदन, कि गांधी जी को लॉ स्टडीज कंसीडर करनी चाहिए लंदन जाके, ठीक। अब देखते हैं कुछ अब इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये तो आपके एक बेसिक मैंने बताया महात्मा गांधी जी के बारे में, अब हम इनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जानते हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा। तो पहला फैक्ट देखिए, गांधी जी फीचर्ड एज टाइम्स मैगजीन्स मैन ऑफ द ईयर इन 1930। 1930 में जो टाइम मैगजीन है, उसके कवर पर महात्मा गांधी जी का फोटो आया था। द मैगजीन डिस्क्राइब्ड हिम एज सेंट गांधी, मैगजीन ने उनको सेंट गांधी जी, गांधी डिस्क्राइब करा, ठीक है। अगला देखते हैं फैक्ट, गांधी जी निकनेम एज अ चाइल्ड वॉज मोनिया। गांधी जी का जो बचपन में निकनेम था, उनका निकनेम था मोनिया करके, ठीक है। उनके जो पेरेंट्स थे और बाकी लोग थे, वो उन्हें मोनिया नाम से बुलाते थे। तीसरा फैक्ट देखिए, ही रॉट एज ऑटोबायोग्राफी इन गुजराती। गांधी जी की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। उन्होंने उस ऑटोबायोग्राफी को गुजराती में लिखा था, क्यों, क्योंकि गुजराती उनकी मदर टंग थी, ठीक है, जिसको बाद में ट्रांसलेट कर दिया गया था सारी रीजनल लैंग्वेजेस में इंडिया की, और मेजर लैंग्वेजेस में वर्ल्ड की मेजर लैंग्वेजेस में, और इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस में बाद में उसको ट्रांसलेट कर दिया था। अगला फैक्ट देखिए, ही स्टिच्ड हिज ओन क्लोथ, वो अपने कपड़े खुद ही सिलते थे। यूज टू मेक इंडिजीनियस खादी फैब्रिक यूजिंग द चरखा, वो खादी फैब्रिक यूज करके कपड़े सिलते थे, एक चरखा यूज करके। चरखा जो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, एक राउंड स्प्रिंग, एक राउंड आपका व्हील होता है ये, जिसको लोग पहले यूज करते थे कपड़े सिलने के लिए। अगला देखते हैं, ही वॉज नॉमिनेटेड 5 times फॉर द नोबेल पीस प्राइज। उनको 5 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करा गया था, नोबेल पीस प्राइज के लिए 5 बार, ठीक है।
दूसरा फैक्ट देखिए, ही लर्न टू डांस एंड प्ले वायलिन वाइल स्टडिंग इन इंग्लैंड. जब वो लंदन गए थे अपनी लॉ स्टडीज के लिए, वहाँ पे उन्होंने डांस और वायलिन प्ले करना सीखा. ठीक है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ वायलिन, उनको वायलिन बजाने का बहुत ज़्यादा क्रेज था. ही लर्न डांस वाइल स्टडिंग इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में पढ़ते ही पढ़ते उन्होंने डांस भी सीखा. बट ही गेव अप एवरीथिंग एंड अडॉप्टेड अ बेसिक लाइफ स्टाइल टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया. फिर उन्होंने बाद में सब कुछ गिव अप कर दिया और एक बेसिक लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर ली, क्योंकि उनको इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़ना था, इंडिया को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने लड़ना था, इसीलिए उन्होंने सब कुछ गिव अप कर दिया. अगला देखिए, 1959 गांधी मेमोरियल म्यूजियम वॉज एस्टेब्लिश्ड. इट इज़ इन द सिटी ऑफ मदुराई इन तमिलनाडु इंडिया. एक गांधी मेमोरियल म्यूजियम इस्टेब्लिश हुआ 1959 में, और ये म्यूजियम कहाँ पर है, ये मदुराई में है जो तमिलनाडु में है. इसको बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गांधी म्यूजियम, इसको गांधी म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्लड स्टेन गारमेंट विच वॉज बॉर्न बाई महात्मा गांधी वेन ही वॉज असैसिनेटेड बाई नाथुराम गोडसे. नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को असैसिनेट करा, और उनके जो वो ब्लड स्टेन कपड़े थे जब उनके असैसिनेशन के टाइम के, वो वहाँ पे लगाए हुए हैं. कंजस मतलब वहाँ पे उनके वो ब्लड स्टेन गारमेंट लगे हुए हैं उस म्यूजियम में. ठीक है, अगला देखते हैं. ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 30 January 1948, और 30 January 1948 को उनको असैसिनेट कर दिया गया नाथुराम गोडसे ने. तो ये पूरी कहानी है महात्मा गांधी की. ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा. बाकी आप लोग गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जितना उनके बारे में बोले उतना कम है. उन्होंने हमारे कंट्री के लिए जो जो करा है, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.